दसवां प्रश्न का पहला प्रश्न है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा दिया है कोष्टक के अंदर, और यहाँ पे इंटू में है मतलब ये सभी मान क्या है गुणा में है ना, और दूसरे कोष्टक में दिया है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर, हमें क्या करना है एक हमें सिद्ध करके लाना है। तो चलो हल करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को क्या करेंगे, देखो ये पूरा क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, इसी को हमें हल करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो कोसेक है इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे सेक को चेंज करेंगे, यहाँ पे टेन और कॉट को चेंज करेंगे, लेकिन साइन और कॉस को जैसा वैसा रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम साइन और कॉस के फॉर्म में ही ये पूरे मान को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो कोसेक को अगर मैं साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करूँ तो ये क्या बनेगा, इसका जो सूत्र होता है कोसेक का वो होता है वन अपान साइन होता है, ठीक है। वन अपान साइन बन गया, और यहाँ पे पहले ही क्या दिया है साइन थीटा दिया है, उसको लिख लेते हैं। इसी तरीके से दूसरे कोष्टक में सेक, सेक का होता है वन अपान कॉस थीटा माइनस यहाँ पे दिया हुआ है कॉस थीटा दिया हुआ है, और टेन का साइन थीटा अपान कॉस थीटा होगा प्लस कॉट का होगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा होगा, ठीक है। ये अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं मतलब एक है, तो ये जो मान है ये जुड़ ये घट सकता है क्या, नहीं घट सकता है। क्यों? क्योंकि नीचे के मान जो हर है ना वो सेम नहीं है, जब तक कि हर सेम ना हो तब तक के घटेगा नहीं। तो एक और एक का गुणा कर लेते हैं तो एक ही आएगा, फिर साइन और साइन का गुणा होने पर साइन का वर्ग आ जाएगा, और इन दोनों को गुणा होने पर साइन थीटा आएगा। तो इस तरीके से हर को हमने क्या कर लिया, बराबर करके घटा भी दिए, ठीक है। इसको कोष्टक में लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे देखो कुछ नहीं मतलब एक, तो कॉस कॉस एक एक, और फिर इन दोनों का साथ में गुणा, तो एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस और एक क्या हो गया कॉस थीटा हो गया। फिर साइन और यहाँ पे दिया है कॉस, यहाँ पे कॉस और साइन दिया है, तो कॉस और साइन अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या करें साइन और साइन, कॉस और कॉस का गुणा, तो साइन साइन क्या होगा साइन का वर्ग थीटा प्लस कॉस 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 का वर्ग थीटा हो जाएगा, और कॉस साइन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये वन माइनस साइन स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, मतलब इसका सूत्र में क्या होता है, तो इसके सूत्र में होता है वन माइनस साइन जो है वो कॉस थीटा का सूत्र होता है, कॉस वर्ग है तो वर्ग में लिखना है ना, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है, और नीचे में क्या दिया हुआ है साइन थीटा दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये भी क्या होगा ये भी सूत्र में साइन स्क्वायर थीटा में चेंज हो जाएगा, और नीचे में क्या है कॉस थीटा दिया हुआ है, ठीक है। इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, एक रख सकते हैं, तो एक रख लो, तो ये पूरा मान एक बन गया, ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो चलो पहले इसको गुणा कर देते हैं, एक पद और बढ़ा लेते हैं, तो ये साइन और कॉस, तो मैं साथ में लिख लेता हूँ साइन वर्ग थीटा इंटू कॉस वर्ग थीटा, साइन और साइन गुणा होकर साइन और कॉस कॉस के साथ गुणा होगा क्योंकि सभी मान किसमें गुणा में है, तो साइन वर्ग थीटा और ये हो गया कॉस वर्ग थीटा, इसके बराबर कितना प्राप्त होगा, देखो ये भी कट गया ये भी कट गया सभी कट गया, तो बचा कितना एक, एक जो है हमें क्या करना था सिद्ध करके लाना था, तो यहाँ पे क्या हो गया राइट हैंड साइड, ठीक है सिद्ध हुआ, देखो कितना आसानी से सिद्ध हो गया। चलो सेकंड प्रश्न देखते हैं दसवा का, तो दसवा का जो दूसरा प्रश्न है वो है साइन ए ए प्लस कोसेक ए दिया है और इसका वर्ग दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद प्लस करना है और यहाँ पे कॉस ए प्लस सेक ए दिया है, इसका भी हमें क्या करना है वर्ग करना है, और इसके बराबर हमें सिद्ध करके क्या लाना है, हमें राइट हैंड साइड में सिद्ध करके लाना है टेन का वर्ग ए प्लस कॉट का वर्ग ए प्लस सेवन, हमें क्या करना है सिद्ध करके लाना है। तो चलो इसको भी हल करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, ये पूरा मान क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, आसानी से इसका उत्तर जो है आ जाएगा। तो करेंगे क्या, ये जो वर्ग है ना, तो वर्ग है तो क्या करेंगे, इसका वर्ग है मतलब ये सूत्र से क्या बन जाएगा भाई, साइन का वर्ग प्लस कॉस का वर्ग प्लस टू साइन कॉस, इस तरीके से। तो आप लोगों को सर्वसमी का पता होगा है ना, तो उसी सर्वसमी का से हम बना रहे हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए इंटू कोसेक ए, ये हो जाएगा।
अब यहाँ पे क्या है, प्लस लगा दो, इसको भी वैसे ही करो, तो कॉस का वर्ग ए प्लस सेक का वर्ग ए प्लस टू कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये साइन और कॉस एक साइड लिख लेंगे, तो एक साइड लिख लेते हैं भाई साइन का वर्ग ए प्लस कॉस का वर्ग ए, फिर पूरा मान जैसा वैसा लिख लो, तो कोसेक वर्ग ए, और चाहो तो यहाँ पे जो सेक है उसको भी साथ में लिख लेते हैं, ठीक है, सेक वर्ग ए, फिर प्लस ये दो दो वाले हैं तो एक साथ लिख लेते हैं, दो साइन ए कोसेक ए, और यहाँ पे क्या है, यहाँ भी दिया है प्लस दो कॉस ए सेक ए, ठीक है, इस तरीके से लिख लेते हैं। तो इसका कितना होगा, इसका एक हो जाएगा। अब ये जो बचा है वो क्या है, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए है। अब यहाँ पे देखो दो और दो, हम चाहें तो इसका उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, ठीक है, तो उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो यहाँ पे साइन और ये कोसेक और कॉस और सेक यहाँ पे क्या हो जाएगा, बच जाएगा। या इसको कटाने के तरीके ढूंढ लेते हैं, दोनों मान क्या होने चाहिए, कटने चाहिए, तो कटाने के तरीके देखो, दो इस साइन को हम जैसा है वैसा रख देते हैं, ठीक है, साइन ए, और इसको कॉस को मैं अगर साइन में चेंज करूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, वन अपान साइन ए, इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो ये और ये क्या हो गया, कट गया, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी काट लेते हैं, इसको भी दो कॉस ए इंटू सेक को हम कैसे लिख सकते हैं, वन अपान कॉस ए, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल, ये भी कट गया, ठीक। तो ये एक, यहाँ पे बचा दो और यहाँ पे बचा दो, तो एक दो दो कितना हो गया, पांच, तो पांच प्लस यहाँ पे बचा है कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको चेंज कर लेते हैं, इसमें वन प्लस कॉट स्क्वायर, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए में चेंज कर लेते हैं, और इसको चेंज कर लेते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर ए में चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ये सूत्र से यही वही होता है ना, वन प्लस टेन ए, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, तो ये चेंज हो गया, ठीक है। एक और एक और यहाँ पांच कितना हो जाएगा, कुल मिला के सात हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया सात प्लस कॉट वर्ग ए प्लस टेन वर्ग ए प्राप्त हो गया। अब इसे जमा के लिख लो, तो जमा के लिखेंगे, पहले टेन था ना, तो टेन वर्ग ए प्लस कॉट वर्ग ए प्लस सेवन, यही क्या है, राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड क्या हुआ, सिद्ध हुआ। इस तरीके से ये भी प्रश्न बन गया, देखो बहुत आसान था, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप हल करते जा रहे हैं और सारे प्रश्न बहुत आसानी से बनते जा रहे हैं ना। चलो ये प्रश्न कैसे बनेगा, देखो थोड़ा सा अलग तरीके है, मतलब अलग है, पर बनाने के तरीके बहुत ही आसान है। फिर वन प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसका वर्ग दिया है, वन माइनस कॉस थीटा और वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है, तो इसको बनाओगे कैसे। तो देखो अगर ये तीन मान है तो तीन मान को अगर हम गुणा करेंगे तो थोड़ा सा टफ होगा ना, हमारे लिए कठिन जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम दो दो मान को एक साथ ले लेते हैं, तो जैसे कि इन दोनों को एक मान के बतौर मानेंगे इन दोनों को, ठीक है। मान लो कि ये मान ए है, ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा ए हो गया, और ये पूरा क्या है, ये बी है, ये पूरा मान ए और ये बी हो जाएगा। इस प्रकार से मान के हम क्या करेंगे, इसके वर्ग वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है। सूत्र कौन सा लगाते हैं आपको पता है ना, यही ए का वर्ग माइनस, नहीं, ए माइनस बी का वर्ग, है ना, ऐसा ही। तो देखो क्या होगा, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस दो ए बी, प्लस कर देंगे तो ये वाला यूज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ, ठीक है, इसी फार्मूले का उपयोग करके हम ऊपर वाले को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो ये पूरे मान को मैंने क्या माना है, ए माना है, तो ये ए का वर्ग हो जाएगा, मतलब वन प्लस साइन थीटा और इसका वर्ग हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो है ये क्या हो जाएगा, एक सेकंड, ये तो माइनस रहेगा ना, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा ये, तो कॉस स्क्वेयर थीटा,
फिर माइनस दो, ये दोनों एक साथ लेंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा। उसके बाद इसके साथ क्या है, इसको गुणा कर देंगे कॉस को, तो ये कॉस थीटा, तो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ऐसे प्रश्नों को आपको इस तरीके से बनाना है। ठीक है, अगर चार हो जाता ना, चार मान एक मान और यहाँ पे होता तो जोड़ा बना के हम हल करते। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अब नीचे वाले को करते हैं, तो नीचे वाला भी वैसे ही होगा। ठीक है, ये सभी प्लस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस में आएगा, ये भी प्लस में रहेगा। ठीक है, तो सभी मान यहाँ पे प्लस में हो जाएंगे, तो वन प्लस साइन थीटा और इसका वर्ग प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस दो वन प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, इस तरीके से। अब इसको भी अलग से कर लेते हैं भाई। ठीक है, अभी और आसान होगा, तो अब हम इसको कर सकते हैं ना, तो अब इसका भी वही ये वाला सूत्र हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा, ठीक है, यही प्राप्त होगा। अब इसके बाद पूरे को क्या करना है, उतार देना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू वन प्लस साइन थीटा और ये कॉस थीटा। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है, अंत में इसको उतार देना है। इसी तरीके से इसको भी कर लेते हैं, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू वन प्लस साइन थीटा और ये हो गया कॉस थीटा। ठीक है, अब ये साइन और कॉस वर्ग में है और यहाँ भी वर्ग में है, दोनों जगह वर्ग में है, तो इन दोनों को जमाएंगे ना, फिर जमाने के बाद क्या करेंगे, इसके जगह पे हम एक लिखेंगे, तो हम क्या करते हैं यहीं पे एक लिख देते हैं। ठीक है, तो एक लिख देते हैं, तो ये आगे में लिख लेंगे एक, ये पहले दिया हुआ है, इसका और इसका दोनों का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो ये एक हो गया और बचा क्या, ये बचा है ना, तो इसको लिखेंगे दो साइन थीटा माइनस दो वन प्लस साइन थीटा और ये कॉस थीटा। फिर नीचे में भी वन प्लस इसका इसका एक हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ भी दो साइन थीटा प्लस दो वन प्लस साइन थीटा और ये कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान हमें प्राप्त हो गया। चलो अब इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा दो प्लस दो साइन थीटा माइनस दो वन प्लस साइन थीटा और ये कॉस थीटा। फिर दो, यहाँ भी दो प्लस दो साइन थीटा प्लस दो वन प्लस साइन थीटा और ये कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो है, इसमें भी दो है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, तो निकालो, तो दो उभयनिष्ठ निकल गया, तो बचेगा क्या, वन यहाँ से और यहाँ से सिर्फ साइन बचेगा, तो ये साइन थीटा आ गया। फिर माइनस दो वन प्लस साइन थीटा और ये कॉस थीटा। फिर अपान, यहाँ भी दो बाहर निकालो, दो वन प्लस, यहाँ भी क्या बचा, साइन थीटा माइनस, नहीं यहाँ पे प्लस है ना, प्लस वन प्लस साइन थीटा और ये कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो दो भी है और वन प्लस साइन थीटा और यहाँ पे दो है और वन प्लस साइन थीटा इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे, अब इस पूरे मान को उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, नीचे में भी सेम वैसा ही है, तो उभयनिष्ठ निकालो, तो यहाँ पे दो के साथ साथ वन प्लस साइन थीटा ये उभयनिष्ठ निकल गया, तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ से जो बचेगा उसको दूसरे को टंग लिखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब एक बच रहा है, और इसके बाद माइनस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस, ये तो निकल चुका है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा बच गया। यहाँ भी वैसे ही करेंगे, दो वन प्लस साइन थीटा बाहर आ गया, अब बचेगा क्या, यहाँ भी यहाँ भी, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ एक बचेगा और यहाँ पे प्लस कॉस थीटा बचेगा, ये और ये पूरा कट गया, तो बचा क्या, बचा हमारे पास वन माइनस कॉस थीटा अपान वन प्लस कॉस थीटा,
और यही हमें क्या करना था, इस प्रश्न में सिद्ध करना था। तो राइट हैंड साइड क्या हुआ, सिद्ध हुआ। देख लो भाई, इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। तो तीसरा भी बन गया, चलो आगे देखते हैं। बहुत आसान आसान प्रश्न है। इसके बाद चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न में दिया हुआ है 10 का वर्ग थीटा अपान 10 वर्ग थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक वर्ग थीटा अपान सेक वर्ग थीटा माइनस कोसेक वर्ग थीटा, ठीक है। इसके बराबर हमें सिद्ध कर सिद्ध क्या करना है, इसके बराबर हमें सिद्ध करके लाना है 1 अपान साइन वर्ग थीटा माइनस कॉस वर्ग थीटा। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करके लाना है। तो चलो इसको भी हल करते हैं। तो यहाँ पे जो टेन है कोसेक है सेक है, इन सभी को ना साइन और कॉस के रूप में चेंज करना है। तो सबको कर देते हैं साइन और कॉस के रूप में चेंज। तो लेफ्ट हैंड साइड के टेन वाले को करते हैं, तो ये हो जाएगा, टेन को करेंगे तो पहले साइन बनेगा ना, साइन स्क्वेयर थीटा अपान कॉस स्क्वेयर थीटा बनेगा। फिर यहाँ पर 10 दिया है, इसको भी करेंगे तो साइन वर्ग थीटा अपान कॉस वर्ग थीटा, फिर माइनस एक, फिर प्लस लगा दो, फिर कोसेक को चेंज करो 1 अपान साइन स्क्वेयर थीटा में चेंज हो जाएगा। सेक को करेंगे तो 1 अपान कॉस स्क्वेयर थीटा, माइनस कोसेक को करेंगे तो 1 अपान साइन स्क्वेयर थीटा। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, 10 और कोसेक और सेक को हमने चेंज कर दिया, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे ये जो साइन और कॉस है इसको जैसे है वैसा रहने देते हैं थीटा, ठीक है, ये जैसा है वैसा रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक को घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके हर को बराबर करना पड़ेगा। हर में क्या है, एक है, कुछ नहीं, मतलब एक दिया है। तो जब तक कि हर बराबर नहीं होगा तब तक कि ये घटेगा नहीं। तो घटा देते हैं तो एक और साइन क्या होगा, थीटा, और ये कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक नहीं कॉस है, कॉस थीटा, ठीक है। इस तरीके से दोनों के हर बराबर होंगे। अब ये क्या हो गया, घट गया, समझो। इसी तरीके से इसमें भी करेंगे, 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा जैसा है वैसा रहेगा। ये दोनों बराबर कर दें, साइन वर्ग थीटा माइनस कॉस वर्ग थीटा, तो ये साइन वर्ग थीटा और ये कॉस वर्ग थीटा हो जाएगा। फिर पहला चौथे का गुणा, दूसरा और तीसरे का गुणा, पहला चौथे गुणा, दूसरा तीसरे का गुणा, तो ये नियम लागू कर देते हैं, मतलब लगा देते हैं, तो ये हो गया। और यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा है ना, तो ये कॉस थीटा को हमने क्या कर दिया, लगा दिया, यहाँ पे वर्ग था, इस तरीके से। और ये दूसरा और तीसरा, तो यहाँ पे कॉस वर्ग थीटा, फिर ये साइन वर्ग थीटा माइनस कॉस वर्ग थीटा, फिर प्लस एक और इसका गुणा, तो ये हो जाएगा साइन वर्ग थीटा इंटू कॉस वर्ग थीटा, फिर इनका इनका गुणा, तो यहाँ पे साइन वर्ग थीटा, फिर कोष्ठक में लिखो साइन वर्ग थीटा माइनस कॉस वर्ग थीटा, तो ये साइन और ये साइन कट गया, ये कॉस और ये कॉस कट गया, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, क्योंकि नीचे के मान देखो हर बराबर है दोनों में, तो हर बराबर इसका मतलब क्या है, ये जुड़ सकता है, तो जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा, और यहाँ पे साइन वर्ग थीटा माइनस कॉस वर्ग थीटा, इस तरीके से। अब ऊपर का मान कितना होगा, इन दोनों का मान कितना होता है, एक होता है, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, इसके मान को एक लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा एक, फिर ये साइन वर्ग थीटा माइनस कॉस वर्ग थीटा, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करके लाना था। तो राइट हैंड साइड क्या हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है। इस तरीके से ये प्रश्न भी सिद्ध हो गया। चलो अब अगला देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है भाई, पांचवा जो प्रश्न है वो, पांचवा प्रश्न बहुत ही सरल है ये भी। कोसेक ए माइनस कॉट ए दिया हुआ है, और फिर 1 अपान साइन ए दिया हुआ है, इसके बराबर दिया हुआ है
वन अपान साइन ए माइनस वन अपान कोसेक ए प्लस कॉट ए दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, इससे संबंधित एक प्रश्न मैंने बनाया था ना, बहुत पहले वाले प्रश्न में बताया था, कम से कम वो तीसरा चौथा पांचवा के आसपास प्रश्न होगा, उसमें मैंने ऐसे प्रश्नों को बनाया था। तो करना क्या, देखो ये और ये एक जैसे हैं तो एक साइड में ले लेंगे, और ये एक जैसे हैं तो दूसरे साइड में ले लेंगे, मतलब दोनों को क्या करेंगे अपने अपने मेन साइड में से ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसे जमा लेते हैं, तो कोसेक ए माइनस कॉट ए, और ये जो माइनस में इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा, और यहाँ पे पहले दूसरे साइड में क्या दिया हुआ है, साइन ए दिया है, तो इसको उस पर ले जाएंगे, तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो गया साइन ए। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो हमें लाना क्या है, ये लाना है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, देख लो ये दोनों नीचे के मान सेम है, तो मतलब क्या है, दो, तो यहाँ पे आ गया दो, आ गया दो साइन ए, तो दो साइन ए अगर हम ले आते हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, तो बनाना कैसे है अब आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले इस कोसेक को ना साइन में चेंज करना, और कॉट को साइन कॉट और साइन में, ठीक है, इसी तरह से इनको भी चेंज करना, ठीक, उसके बाद आसानी से आपको उत्तर आ जाएगा। अगर चेंज नहीं करना चाहते हो तो एक और तरीका है, क्या करना, यहाँ पे देखो नीचे के मान जब तक के बराबर नहीं होगा तब तक के ये मान जुड़ नहीं सकता, तो आप इसी विधि का उपयोग करो, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, बस हल करते जाना, अंत में उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसे बताने की जरूरत तो नहीं है, ये आसानी से मुझे लगता है आप लोगों से बन जाएगा, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग खुद बना के देखना, बाकी जो प्रश्न बचा है उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा बता दूंगा।